हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस प्रकार अपने पेट के निशान मिटा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क मिटाने के लिए आप दवाइयों का खर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपके स्ट्रेच मार्क हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने स्ट्रेच मार्क हटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपको एक अंडा लेना है। फ्रेंड्स, अंडे की मदद से आप अपने पेट पर हुए निशानों को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको इसको फोड़ना है। फ्रेंड्स, अब आपको इसके पीले भाग को निकालना है। फ्रेंड्स, मैंने इसका पीला भाग निकाल लिया है। इसका बचा हुआ जो पानी रहता है, फ्रेंड्स, आपको इसका एक पेस्ट बनाना है। आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। फ्रेंड्स, आपको रुई की सहायता से जहाँ पर भी आपके स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं आपको उस जगह इसको लगाना है। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से रुई को डिप करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो आपको इस तरह से इसको लगाना है। फ्रेंड्स, यह उपाय आप दिन में 3 बार करें। एक बार आप रात को सोने से पहले इसको लगाएं और फिर इसको लगाकर ऐसे ही छोड़ दें, अच्छे से सूख जाए। इसके बाद एक गीला कपड़ा लें और इसको आप पोंछ लें। फ्रेंड्स, यह आप डेली करें, इससे आपके कुछ ही हफ्तों में फर्क पड़ना महसूस हो जाएगा और आपके स्ट्रेच मार्क हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क प्रेगनेंसी में अधिकतर महिलाओं को हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से आपके स्ट्रेच मार्क को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखना। इसके लिए सिर्फ आपको एक अंडे की ही ज़रूरत है। आप ये उपाय डेली करें और आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपको असर पड़ना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।